सावित्री का 10वां जन्मदिन पर थाने घनी घनी बधाई। सावित्री बेटा, थारा जन्मदिन पर भोले शिव तारी हर मनोकामना पूरी करें, यो ही बेटा मारो आशीर्वाद है। हुकुम, बिन माँ की बच्ची ने संभालनो कोई आसान काम को नहीं है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। और तेतो है बच्ची की खातिर दूसरो ब्याह भी को नहीं करो, थारी सारी जिंदगी सावित्री की परवरिश में निकाल दी, ते धन्य हो कुम, धन्य हो। पंडित जी हुकुम, थे तो कई पुश्तों से मारा परिवार से जुड़े हो। हुकुम, अब हम दूसरी माँ ले आते हैं, तो ना जाने वो सावित्री के साथ कैसा सलूक कर, मारो मन नहीं मना। अब हम इस फूल सी बच्चे के लिए माँ भी है और बाप भी है। सावित्री, थारो जन्मदिन को कई तोहफा दूं। हुकुम, हम बात कर सर, मारे को किसी चीज की कमी को नहीं, मारे को कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यारी बच्ची है हुकुम, वरना ई उम्र में टापर अपने माँ बाप से काई काई को नहीं मांग ले, माँ बाप के नाक में दम कर दे। ना 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 ना, सावित्री में संतोष बड़ी ऊंची बात है, पर कुछ तो मांगो। से मना तो कोनी करोगे? बेधड़क मांगो। ज्यादा कुछ नहीं हुकुम, वो पिंक कलर की साइकिल और फिर उसके साथ मैचिंग ड्रेस, हरे रंग की चूड़ियाँ, फ्रेंच लेदर का पर्स और फ्रेंड आइसक्रीम, बस। नमस्कार वैशाली साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस टाइप की ड्रेसेस राजस्थानी की यही वैरायटी चल रही है अभी, सबसे टॉप वैरायटी में। नहीं अब वो वाला, वो वाला देखो, फिरोजी का, फिरोजी का सब टोटल लेटेस्ट जो अभी चल रहा है ना, वही वैरायटी आपको दे रहे हैं। हेलो, हाँ जी भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही इसमें, ये वाला कलर अभी आया, ये देख रहे हैं। हाँ जी, ये मच्छे से देखना, अच्छा रहेगा आपका, अच्छा खुलेगा आपके ऊपर, अच्छा खेले। देखो दूसरा ये वाला कलर, इसका ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ, दरवाजा खोलो। वो वाला, हाँ जो आपकी चॉइस का कलर है ये मैन। क्या हो मछलियाँ हैं इसमें, हम कब भी पहुँचेंगे? बस एक मिनट, सामने तो है पूरा सामने, मुझे नहीं जाना होगा। अरे बेबा, मैं दिलवा रहा हूँ इतनी सारी चूड़ियाँ, मुझे नहीं चाहिए। सामने आ तो गया है, ले 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 ले, चलो ना चलो। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ तुम्हें जन्नत मिलेगी। देखो रे क्या लाया तुम लोगों के लिए। अरे भंसाली, मेरी बेटी कहाँ है? सर यहीं पे, मैं कपड़ा देख रही थी, सूट पहन रही थी। यहाँ नहीं है, कहाँ है वो? अभी यहीं पे थी, आप गए, आपके पीछे पीछे शायद आई होगी। देखो अभी तो नहीं, मैं तो कहीं जानी नहीं चाहिए। वो बाहर गई? नहीं, सावित्री कहाँ है? सर ये इधर ही थी सर। अरे यहाँ नहीं है वो, इधर तो डाल, एक नंबर है ससुरी, लेकिन हम लेकर आए हैं तो पहले बारी हमारी। अच्छी घर की तो लड़की लग रही है,
तो पंगे बिंगे ना हो जाए। तू तो एक नंबर का फट्टू है साला, जब देखो फटती रहती है। अरे आम खाने से ज्यादा मजा तो कच्ची अम्मी के अचार में आवे। मुझे इनकी तरह बनना। एक बड़े घर की बच्ची किसी खिलौने की जिद करे तो मिल जाता है, फिर वो खिलौना घर के किसी कोने में पड़ा रहता है बाकी खिलौनों की तरह। मार्शल आर्ट्स दिखने में अच्छा लगता है पर उसको निभाने में जान भी चली जाती है। मैं आपकी बेटी को एक टास्क दूंगा, अगर ये उस टास्क को पूरा कर पाई तो मैं इसे जरूर सिखा सकता हूं। अब तुम बिना पानी गिराए ये सीढ़ियां चढ़ोगी और उतरोगी। अगर पानी का एक भी तुबका जमीन पे गिरा तो ये दोबारा करोगी। आसान है ना? सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा एक शौक था, ये पूरा हो गया। ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, घर चलो। हुकुम, अगर मैं आज हार गई तो सारी जिंदगी डरती रहूंगी। कभी ड्राइवर से डर लगेगा, कभी पास खड़े अजनबी से। मुझे रुको मत। Thank you.
One cappuccino, please. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। इंसान दिमाग से कमजोर हो सकता है, शरीर से नहीं। इट इज द वीकनेस ऑफ माइंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन बॉडी। अपने दिमाग के हर एक एहसास को अपने शरीर के हर एक कण में बसा लो। प्यार, नफरत, गुस्सा, इतना कि अपने शरीर की होंद से भी आगे निकल जाओ। आपने कुछ कहा क्या भाई साहब? अर्ज क्या है? मैं हीरो दे रहा हूं। इम्पोर्टेंट सेक्सी बाइक, फेसबुक पर 1000 लाइक, गर्लफ्रेंड बनोगी या भाई? ऐसे ही पब्लिक में? What's up? I'm good यार, you say? तुझे पता है अभी मॉल में क्या हुआ? हाँ मुझे पता है, तुझे आज मॉल में कुछ लड़कों ने छेड़ा था। हाँ लेकिन तुझे कैसे पता? मुझे ये भी पता है कि तूने उन लड़कों की बहुत जम के पिटाई भी की थी। हाँ? Actually बहुत बड़ा पंगा हो गया यार। हमें पता चला बेटा, मारो ड्राइवर को फोन आए, पहचानो, बस इतना ही, पहचानो।
लिसन, अगर मेरी और हड्डियाँ तोड़ने का इरादा है तो एक बात जान लो कि मेरी सारी हड्डियाँ टूट चुकी है। दे हैव ब्रोकन इट ऑल। पूछोगे नहीं कि थारे पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? थैंक गॉड, इतना तो पता है कि इल्ज़ाम झूठा था, पर प्यार तो सच्चा था। कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। I've had better days. अब अंग्रेजी झाड़ रहे हो। क्या करूँ यार, इतने साल से अमेरिका में रहा हूँ, आदत सी हो गई। और कुछ नहीं तो अमेरिका अच्छा है। चलो, तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा। बात सिर्फ इतनी सी थी। हाय। बहुत बड़ा पंगा हो गया यार, जिन लड़कों ने तुझे छेड़ा था ना उनमें एक मेरा भाई भी था। और इस वक्त पुलिस उसे पकड़ के तेरे घर ले गई है। तू तो हुकुम का नेचर जानती है ना, कितने गुस्से वाले है वो। यार उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, इस बार उसे माफ कर दे, नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगी। हमारी गर्लफ्रेंड के लिए झूठ बोला। वाओ, व्हाट जस्टिस सिस्टम, ब्रिलियंट। ओके सॉरी। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि ये लोग थारे को कुछ घंटों में छोड़ देंगे, और ये बात बाहर ना निकले तो अच्छा है। क्या करे सारे हैं, हम रहोगे क्या? ये कहते बने फिर कब मिलेंगे? सॉरी कॉफी मिस्टर, तुम अब भी जेल में हो, छूटे नहीं हो। ओवर कॉन्फिडेंस। संडे 4:00 हवेली रेस्ट, आई विल वेट फॉर यू। वैसे थारो नाम के? सत्य, द अमेरिकन हीरो। तो एक बात जान लो कि मेरी सारी हड्डियां टूट चुकी है। दे हैव ब्रोकन इट ऑल। सत्य, द अमेरिकन हीरो। संडे 4:00 हवेली रेस्ट, आई विल वेट फॉर यू। सावित्री जी, आपसे कोई मिलने आए हैं। कौन है? कोई अमेरिका से बता रहे हैं। हुकुम क्या कर रहे हैं? हुकुम की जात तभी ठीक नहीं जो जल्दी दवाई लेके सो रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं आती हूँ। वायलेंट फैमिली है यार तुम्हारी। तुम तो घर तक पहुंच गए। आपसे तुम, नॉट बैड, मतलब चांस है। तुम्हारे हुक्म सो रहे हैं, वरना चांस तो ये है कि तुम्हारी इस बार इतने टांगे टूटेंगे कि जुड़ेगी नहीं। टांग के टूटने की टेंशन किस है यार, या तो दिलों के जुड़ने की बात हो रही है। बहादुर, हुक्म को जाके बुलाओ, बोलो यहाँ एक साहब उनसे मिलने आए। कॉफी शॉप में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। Hopeless optimist. अमेरिका में सब लोग ऐसे ही होते हैं? पता नहीं, फिलहाल तो इंडिया से प्यार हो गया। देखो तुम यहाँ से नहीं हो, हमारे हुक्म को नहीं जानते,
लाश भी नहीं मिलेगी। जब से तुमसे मिला हूँ जिंदा लाश ही तो बन गया। फनी। अरे कौन? हुकुम भाई मिलना आया है। आता हूँ। देखो तुम मुझे अच्छे लगते हो वरना। नाइस। तो अब मैं तुम्हें अच्छा भी लगने लग गया। दो तीन बार और मिलो डेफिनेटली प्यार में पड़ जाओगे। देखो प्लीज अट्ठे से चले जाओ, यहाँ मजाक नहीं चल रहा, नहीं तुम्हारे हुक्म तरफ शक्ल देख के गोली मार देंगे। पुलिस की इतनी मार से नहीं डरा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हुक्म की इस गोली से डर जाऊं? ओके, तुम क्या चाहते हो? नो गेम्स। मेरे साथ चलो, चाय कॉफी सोडा वोडका व्हाटएवर यू से। ओके, एक बार। एक बार। वन टाइम ओनली। और मैं चाय पीती हूँ। एंड इट्स नॉट अ डेट। इट्स नॉट अ डेट। डेफिनेटली नॉट अ डेट। ओके। बस चाय पे चर्चा। ओके। डन। सो यू कमिंग? या। यू कमिंग फॉर श्योर? या या। इस बार तुम नहीं आई। देन आई विल बी back. Okay. So you're coming? Yeah, I'm coming. I'll see you then. Yeah, okay. Okay. Bye. कौन है? कोई नहीं हुकुम, एक साहब गलत एड्रेस पे आ गए थे, मैंने रास्ता दिखा दिया। पहले गेस्ट को पूछो कठे से आया, उसके बाद किसको मिलना है। हर गैर को मत ले क्या उधर, चल जा, अकल का मगरमच्छ। किसी को भी ले आते हो। सावित्री कब आएगा तेरा ये मिस्टर सत्या? आ जाएगा टीना। तुझे पता है मेरी शादी हो रही है, घर में इतने सारे फंक्शंस चल रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। टीना तुम्हारी शादी हो जाएगी, ठीक है? वो तो जाएगी यार, पर कब? बारात दरवाजे पे आएगी, खाली हाथ लौट जाएगी और मैं यहाँ तेरे साथ बैठी बैठी कुंवारी रह जाऊंगी बस। दो मिनट, तो कोल्ड ड्रिंक पी। ओके। दो मिनट, हाँ दो मिनट, थोड़ा ठंडा करती हूँ दिमाग। हो गए दो मिनट, अब नहीं रुक सकती मैं, माँ इंतजार कर रही होगी यार, समझ यार प्लीज, शादी है मेरी। टीना जा रही हूँ मैं। प्यार और इंतजार दोनों का अपना अलग ही मजा है। तो ये है तेरा सत्या? ग्रेट। भेजो। शराबी और मेरे यार पंजाबी और मोर सारे शराबी।
सुबह मिले तो नॉर्मल, बीबी के आगे फॉर्मल, सुबह मिले तो नॉर्मल, बीबी के आगे फॉर्मल, शाम को बोतल अंदर, खुद को समझ सिकंदर, घर को देर से जाए, बीबी के जूते खाए, ओ बीबी टेक इट इजी, यू आर ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज राइट, हैंग ऑन टू मी टाइट, कुड़िए नच ले थ्रू द नाइट. बीजे चौधरी साहब, सत्य बहुत अच्छी फैमिली से है. लॉस वेगस में उसका बहुत बड़ा कैसीनो है. सावित्री सत्य से प्यार करती है और सत्य भी सावित्री से. ये तो अच्छी बात है वकील साहब. आपका और हमारा रिश्ता तो काफ़ी पुराना है, आपसे क्या छुपाना. पंडित जी तो जानते हैं कि सावित्री की माँ के चल बसने के बाद हमारी ज़िंदगी सावित्री की जान में अटक गई. कई साल पहले जब उसे ज़िद भी की कि उसे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना है तो हमने मंजूर किया, पर मारो दिल मानो ना, और कुछ हफ्तों बाद हमने उसे वापस बुला लिया. अब आप ही बताइए वकील साहब के उसकी शादी करा के हम जिंदगी भर के लिए अमेरिका कैसे भेजें उसे. मैं आपकी बात से सहमत हूँ चौधरी साहब. दुनिया बहुत छोटी है, लोग तो अमेरिका ऐसे जा रहे हैं जैसे जोधपुर से बीकानेर. मैं इस रिश्ते की गारंटी लेता हूँ. देखिए, हमारी गारंटी लेने वाले हमारे मार्गदर्शक ये पंडित जी हैं. ये बताइए, आपने कुंडलियां मिलाई तो है पंडित जी? हुकुम, खबर चौकी को नहीं है, मामलों गड़बड़ है. दिल खोल के बताइए क्या बात है. हुकुम, मैंने मेरे चक्षु ज्ञान से जी कुंडलियों को मिला के जी ये देखा है कि इन दोनों बच्चों का ब्याह नहीं हो सकता. जैसे आपकी मर्जी. ऐसा क्यों भाई वकील साहब? सरल भाषा में समझा दूं कि थारे भतीजे सत्या को ब्याह मारी बेटी सावित्री के सगे को नहीं हो सके. अंग्रेजी में समझाऊं? वी आर सो सॉरी. वकील साहब, हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा कभी. थैंक यू फॉर कमिंग. वकील साहब, थारी कुंडली. पंडित जी. हुकुम. मुझे ये रिश्ता अच्छा लग रहा था, आपने ठीक से देखा. हुकुम, मैं थारो नमक खाया है, मैं थारो बुरो कहीं चाह सकूं. हुकुम, अगर सत्य और सावित्री को ब्याह होगो तो कुछ ही हफ्ता बाद सत्या की मौत हो जाएगी. अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई उपाय, कोई तोड़? हुकुम, कोई तोड़ कोई उपाय को नहीं. कुदरत रे नियम रे सामने इंसान को बस को नहीं चले. हुकुम, थारे सुम्हारो एक निवेदन है, यो ब्याह मत होने दो. अगर यो ब्याह होगो तो सावित्री कुछ हफ्ता बाद ही विधवा हो जाओगी. हुकुम. कितने पैसे मिले ये कहानी बनाने के? या कहानी को ना सच्चाई है. मैं को नहीं मानती. थारे मानने और ना मानने से सच्चाई बदल को नहीं जागी. पंडित जी, मारो सच सिर्फ सत्या है. मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ. आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा. बेटा, मैं समझ सकता हूँ, पर कुदरत रे नियम रे सामने इंसान को कोई बस को नहीं चले. पंडित जी, मैं इन कुंडली मुंडलियों में नहीं विश्वास रखती. मैं 21वीं सदी की मॉडर्न लड़की हूँ और आपको भी पता है कि मारो हुकुम मुझसे कितना प्यार करते हैं. आपको ये कुंडलियां मिलानी ही पड़ेंगी ना. मारो हुकुम को कह देंगे, आपका हफ्ता पानी बंद करवा देंगे. देख बेटा, अभी तुम घनी गुस्से में है, थारो दिमाग काम को नहीं कर रहा है. मैं थारे कालजेरी पीड़ा ने समझ सकूं, पर बेटा वक्त
बड़ो ही बलवान हुआ है जो हम सब इंसाना ने अपनी अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा उतार चढ़ाव सहन करने की शक्ति देवे है। मैं माता रानी से प्रार्थना करूं कि माता ने शक्ति देवे है, यही मारा आशीर्वाद है। जय मैया की। घोड़े बेच के सो रहे हो और वहाँ हमारी लव स्टोरी का दी एंड हो रहा है। हमारी स्टोरी का एक ही एंड है, हैप्पीली एवर आफ्टर। हुकुम पंडित जी के मर्जी के खिलाफ ये रिश्ता नहीं करेंगे। तो पंडित जी को पटाते ना, US डॉलर्स एनीवन? इतना सिंपल नहीं है सत्य। पंडित जी की फैमिली पिछले 200 साल से हमारी फैमिली से जुड़ी हुई है। तो वेट करते ना और फिर तुम्हारे डैड को कन्विंस करते हैं कि आजकल की दुनिया में ये कुंडली मुंडली कोई नहीं देखता। अब इंतजार मारे बस का नहीं। तो अभी कर ले हुकुम, हम दोनों को मार डालेंगे। मेरे साथ अमेरिका चलो। ब्याह किए बगैर नहीं। तो शादी करके चलो, वहां मेरा एक फ्रेंड लॉयर है, वो हमारी कोर्ट मैरिज करवा देगा। ऐसे नहीं, ब्याह होगा तो रीति रिवाज अनुसार और शिवजी के सामने। भाग के शादी कर ले? ऐसे नहीं, पहले डेट फिक्स करेंगे और फिर मंदिर चूज करेंगे और फिर मेहमानों को भी तो बुलाना है, पूरी गेस्ट लिस्ट और मेरी पसंद का वेडिंग ड्रेस, पूरी शॉपिंग होगी। वाओ, ये हम भाग के शादी कर रहे हैं या स्लो मोशन में? वो तुम्हारा हिटलर बाप हमारी जॉम्बी आर्मी बना देगा। सबको इन्विटेशन मिलेगा, हुक्म को तो जरूर इन्विटेशन मिलेगा, सबको आना पड़ेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट। परियों सी लड़की मेरे दिल में कैद है, एक परियों सी लड़की मेरे दिल में कैद है। एक खोया दिल में कैद है, सब देखे रब की ओर, मैं देखूं उसकी ओर। नारंदे ये नारंदे, नारंदे ये नारंदे। एक खोया सा लड़का मेरे दिल में कैद है। सब देखे रब की ओर, मैं देखूं उसकी ओर। नायरंदे ये नायरंदे, नायरंदे ये नायरंदे।
देखे रब की और मैं देखूं उसकी और नारंगे ये नारंगे नारंगे पंडित जी शेय और मात वाह आज 11 बजे गाड़ी निकालो। हाँ पंडित जी हुकुम। Thank you.
It took me 5 minutes. Let me finish this business. Hey, so good to see you. Good. How are you? Very good. How are you? Good. So finally I introduce you to my wife and the love of my life, Savitri. The warrior. I was curious to meet you. आपने तो हमारे दोस्त के होश ही उड़ा दिए. ऐसा कुछ नहीं. फोन पे कहा था कि जान दे दूंगा लेकिन शादी करके लौटूंगा. और देख ले, शादी करके आया. सावित्री, welcome to America. Thank you. I'm happy to be here. We're glad to have you. Sir, the package has arrived. Make it look like an accident. अरे, तुम यहाँ आगे बैठ रहे हो? ये तुम्हारा शहर है. You have to show me around. पीछे बैठो मेरे साथ. क्यों? यार माना तुम बीवी बन गई हो मेरी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम पजेसिव हो जाओगी. और शहर तो मैं आगे बैठ के भी दिखा सकता हूँ तुम्हें. दोस्ती तो बहुत निभा ली, अब थोड़ा प्यार भी निभा लो. देखो, दोस्ती तो टूट नहीं सकती. तो आज तो मैं आगे बैठूंगा, बट आई शो यू अराउंड. अरे कम ऑन यार, तू पीछे भाभी के पास बैठ. देख, बेचारी तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है. Are you sure? Positive. चले. I'd like to report an accident on 5th and Main. Yeah. Ma'am, I'm gonna need you to step away. No! Step aside, ma'am. Please step aside. Wait a second. Wait a second. Okay. Sophia! Please. Yeah.
सकते हो? Please, ma'am. Sir, do you know where you are? No, don't move. Sit down, sir. Leave your head down, sir, please. No, please sit down. Please lie down. Bobby, आज आपने मेरी दोस्त की जान बचा ली. मतलब? वो देखिए. अगर आज आपने सत्या को पीछे वाली सीट पे नहीं बिठाया होता तो आज मैं अपना दोस्त खो देता. Please keep your head down. I know. No. Oh, sir, you need to sit down. I'm fine. You need to lie down. Sir. Satya. I'm fine. Satya, are you okay? Are you guys Satya? Okay? Are you okay? Are you okay? Wow. Look at that. Satya, this is no time to joke, Satya. This is so cool. Let's take a picture. Okay, nahi, picture nahi, yaar. This is so cool. Ki Facebook ka time nahi hai. I'm okay, guys. Dad, I'm so sorry. सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि आपको बताने का. Don't. झूठ बोलने की कोशिश तो करना ही मत. वकील साहब ने सब बता दिया मुझे. Congratulations. शादी की बधाई हो. Thanks, sir. For years we have been planning for your wedding. तुम्हारी माँ ने तो पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करके रखा हुआ था. फैमिली की शेरवानी, बहू के लिए सुहाग का जोड़ा. मैंने सोचा था कि वेगस की ये पहली ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग होगी जहाँ दूल्हा घोड़े पर आएगा, अमेरिकन बाराती भांगड़ा करेंगे. वो तुम्हें हमारे सपनों की क्या परवाह? तुम्हें हमारी परवाह नहीं? एक फोन नहीं कर सकते थे हमें? हमको इन्वाइट तक नहीं किया? इंतजार नहीं कर सकते थे? Dad, it wasn't planned. सब कुछ जल्दी जल्दी में. हाँ तो क्या, तुम्हारी होने वाली बहू को देखकर लट्टू हो गए? पेरेंट्स को भूल गए? For years, हम सुन रहे हैं लड़के प्यार में पड़ते ही पेरेंट्स को भूल जाते हैं. तुमने तो प्रूफ कर दिया. Dad, ये सावित्री. वकील साहब ने सब बता दिया मुझे. तुम्हारे बारे में, हुक्म के बारे में देख सकता तो मैं भी कहता कि तुम सुंदर हो. बरसों से इस घर में अंधेरा है. उम्मीद करता हूं तुम्हारे आने से मेरी आंखों में भी रोशनी आ जाए. जी अंकल. अंकल नहीं, डैड. जी डैड. जाओ, रेस्ट करो. All right, Dad. I'll see you around. Come here. तुम मुझे अपनी शादी की, अपनी लव स्टोरी की पूरी हाइलाइट्स सुनाओ. All the highlights. Yes, होठों से तहकी है सीने
सुनाना दिल तू धड़क इतना ना दिल तू धड़क ओ उल्फत का धागा बदन में पिरोके रचा है सांसों का बंधन Savvy, are you mad? तो चले? Are you kidding me? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम ऑफिस जा रहे हो। मैं आसपास शॉपिंग कर लूँगी। मैं वहाँ काम कर रहूँगा। मैं बोल रही हूँ ना, मैं शॉपिंग कर लूँगी। लेकिन तुम वहाँ क्या? Let's go. All right. कुछ भी हो सकता है। ब्रेक फेल हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, ऑयल खत्म हो सकता है, पावर स्टीयरिंग खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। Are you all right? तुम ब्रेक चेक करो ना। Break? हाँ, break. Savitri, that was just an accident. अच्छा तो तुम इसलिए मेरे साथ आई हो? Can't believe. All right. Can't believe I'm doing this. Wow. Unlike your brain, break तो चल रहा है. There you go, my love. Thank you, Your Royal Highness. अब ऑफिस में आने लायक कपड़े तुमने पहने नहीं है। अच्छा ठीक है, जाने से पहले अपना फोन देते जाओ। मेरा फोन? क्यों? डोंट वरी, मैं तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट नहीं निकालूंगी। I still don't get it. मैं मेरा फोन तुम्हारे फोन के साथ सिंक कर रही हूँ, क्योंकि अगर तुम कुछ भी हैंकी पैंकी ट्राई करोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ सकती हूँ। Are you like kidding me? No. No. Savitri, ये तुम्हें क्या वहम हो गया है? Anyways, जो भी करना है जल्दी करो, I'm getting late for work. Okay, nearly done. Here you go. एक कटोरा पानी मिलेगा क्या? अभी क्या चाहिए? तुम शर्म आती है बोलने में? रात को तो शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें? शर्म तो आती है, पर अंधेरे में शर्म नहीं आती मुझे। अभी तो ज्यादा है। Thank you.
Swami! Just to let you know, somebody from the gas company was here checking the gas range yesterday. Here to check the gas? Sure. Right this way. What do you mean? They're saying that they did not send anybody to check. Yeah, Dad, relax. What do you mean? Your man came in the night. He came to check the supply. You think we're lying? Relax. No, your man was here. Give it to me. Calm down. Okay? All right, listen to me, dude. Okay, I've got a situation here. And you got to fix it as soon as possible. My entire kitchen is gone. And I need... Dad, relax. I don't care about the kitchen. I don't care about the kitchen. I know you don't. I need an explanation for that. Do you get me loud and clear? Hello. Hello, Panditji. हाँ बोल रहा हूँ. सावित्री. मैं इस नाम से किसी को नहीं जानता. पंडित जी फोन मत काटिए प्लीज. मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है. मैं जानता हूँ अब कोई उपाय को नहीं. थारे पति को मरना निश्चित है. पंडित जी कोई तो रास्ता होगा. कोई यज्ञ या तपस. कोई यज्ञ या तपस थारे पति की जान को नहीं बचा सके. कुदरत से कोई भी नहीं लड़ सके. एक बात बताइए, पिछले 48 घंटों में दो बार सत्य के जान पे हमला हुआ है और दोनों बार मैंने एक चेहरा सा देखा है जैसे. इस बारे में हमारे को कोई जानकारी को नहीं है. लेकिन हाँ, पुराणों में लिखा है कि मौत जिस इंसान को चुन लेवे है उसे लेने के लिए स्वयं यमराज धरती पे आवे है. जानती हूँ आप यम हैं. आप कौन सा किसी से कम हैं? कुंग फू कराटे सब जानती. God of death. How are you doing? Come on, don't worry. मेरे पति आपके साथ नहीं जाएंगे. अपनी मर्जी से कौन जाता है? और जबरदस्ती ले जाने में हमको भी कहाँ मजा आता है. अरे इतना सुंदर पार्क है लेकिन यहाँ भी कचरा फेंक रखा है. उधर मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर थक गए. लगता है यहाँ अमेरिका तक उनकी आवाज नहीं पहुंची. तो मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंचेगी? मैं बताता हूँ. पहुंच गई. आप माफी नहीं देते?
देते हैं क्यों नहीं देते? पहले दो बार माफी दे चुके हैं लेकिन इस बार नहीं। और अगर मैं कहूं कि आप गलत कर रहे हैं तो? Change is inevitable. इस धरती पे कुछ भी स्थाई नहीं है, जो पैदा होता है वो मरता है। इतने बड़े राजे महाराजे जमीन में गड़े पड़े हैं, मिट्टी हो गए हैं, और आपके पति को तो एक एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो आपने एक्सटेंशन दिया ही क्यों? क्योंकि मुझसे आपके हाल देखे नहीं। इसका मतलब आप भी महसूस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो एक और एक्सटेंशन मिल सकती? मेरे पास में नहीं। तो वो जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। भाई देखो, मुझे एक की परमिशन मिली है तो दो को कैसे लेके जाऊंगा? वो आप जानिए। देखिए देवी जी, मैं बहुत मुश्किल प्रोफेशन हूँ, ऊपर से आप मुझे टेंशन दे रहे हैं। मैं निकलता हूँ। सत्य के बारे में कोई क्लू तो देते जाइए। आप ऐसा करो, अपने फोन में जरा चेक करो। मनी जॉन, तो ये सब तू कर रहा है? हाँ ब्लडी डॉग, तू मुझे कुत्ता बोला? Dude, you're so rude to me, man. What is that? क्या चाहते हैं? I heard you just got married. Why you don't show me the bride? Where is she? सावित्री की तरफ आंख उठा के भी देखना। सावित्री, it's a down market name. I'm not interested in those behenji type of girls. Yeah. Okay. I heard her father is very rich now. She was a lucky guy, yeah. देख मनी जॉन, तेरा मेरा प्रॉब्लम एक दूसरे से है ना, राइट? I am not the problem. That's you, yeah. You're gonna die. Don't worry. I'll just make it look like an accident, yeah. Bury him alive. सत्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ब्यूटी नैप ले रहा था। सत्या, तुम भी आ जाओ। नो सत्या, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं यार, डैड का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, बस वहीं जा रहा हूँ। गौरव आ ही रहा होगा, विल बी बैक इन बेड। नो, तुम कहीं नहीं जा रहे। कल का हादसा नहीं देखा तुमने? मुझे अभी तक नहीं बताया कि वो लोग कौन थे। सैरी, मैंने बोला ना मुझे नहीं पता यार, वो कोई होंगे रैंडम चोर यार, हो सकता है मेरा पैसा लूटने आए हो। At least I still look rich, don't I? I have to confess something. हाँ बोलो, what do you want to confess?
गलती मेरी थी। पंडित जी ने मुझे बताया था लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। पर अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे जान को खतरा है तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। You understand that? Samia, you know it's all just a coincidence, right? यार आजकल के साइंटिफिक एरा में ऐसी बात कौन मानता है? वैसे I'm glad कि तुमने पंडित की बात नहीं मानी। लेकिन मैं अब बात मानने लगी हूँ। हर पल यम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। And I am not going to give you to him. You understand that? से मुझे ये बताओ अब ये यम कौन है? Yamraj, the god of death. Death? Satya. I'm sorry. It's okay. I think तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो. I'll give you some medicine. ठीक है? तुम सो जाओ. Take some rest. Okay? Just let me. I'm sorry. ये एक पुराना kung fu trick है. इससे तुम कुछ देर के लिए paralyzed हो जाओगे. फिर ठीक हो जाओगे. तब तक मैं डैड को उनके अपॉइंटमेंट तक ले जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। I'm so sorry. हमेशा क्या सोचती रहती हो सावी? कुछ नहीं था, इसीलिए खाना पीना छोड़ रखा है। आपको कैसे पता? देख नहीं सकता, एहसास तो। आप भी तो सोचते रहते हैं ना? सोचता हूँ, जब देख सकता था तो देखने का वक्त नहीं था। अब वक्त बहुत है, अंधेरा भी बहुत है। अच्छा बताइए, आपको क्या अच्छा लगता? खाने में मेवाड़ के हलवाई की जलेबियाँ, आगरे का पेठा, लच्छे वाली कुल्फी। डैड, ये सब लास वेगास में नहीं मिलता। आइसक्रीम अच्छी लगती है? आइसक्रीम में बुराई ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं अभी आई। I'm good. Can you get me 2 ice creams, please? Yeah, no problem. Is that you, Savi? You came with a girl? Yes. She's my daughter. She's calling you now, sir. Please come with me, sir.
तुझे सावित्री को सच बता देना चाहिए था कि इसके पीछे किसका हाथ है। डूड, तो सावित्री से मिला है ना? जब बात यहाँ तक आ गई है तो पुलिस प्रोटेक्शन मांग लो। कुछ नहीं होगा, पुलिस भी उसके साथ मिलेगी। बेचारी सावित्री को लग रहा है कि सब उसकी वजह से हो रहा है। मिस्टर सिंह, विच रूम? रूम 144, डाउन द हॉलवे टू योर लेफ्ट। ओके, थैंक यू। डैड, यू ओके? सत्या, आई एम सो सॉरी। फाइन फाइन, इज ही ओके? हाउ गॉट इज इट? इट्स नॉट दैट बैड। यू ओके डैड? या आई एम फाइन। लेकिन आप गाड़ी से उतरे क्यों? बेटा, किसी ने शीशे पर नॉक किया, आवाज पहचानी हुई लगी। उसने कहा कि कब ने नाम बताया उसने? नहीं, नाम तो नहीं पूछा। यू नो, ये तो अच्छा हुआ सावित्री ने बचा लिया, वरना मैं तो तुम्हारी माँ के साथ डिनर खा रहा हूँ। डैड, कुछ भी। A marriage performed outside of the USA cannot be annulled, but you can file for a divorce. How long will that take? It could take a couple of weeks, maybe months. No, but I don't have that much time. I have to follow protocol. No, you don't understand. I don't have time at all. I really have to follow protocol. Bahar mein jaye aapka protocol? My husband is... His life is in danger. I'm sorry? My husband's life is in danger? Thank you, Erica. I don't understand the connection of your divorce and the life of your husband. Are you planning to kill your husband? देखिए, हम जोधपुर के हैं। सत्य वहाँ आया था, हम दोनों के बीच में प्यार हुआ, हम शादी करना चाहते थे, लेकिन पंडित जी ने कहा कि अगर शादी हुई तो सत्य मर जाएगा। उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद हम जब से यहाँ आए, एक के बाद एक उस पर हमले हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पंडित जी ने सही कहा था। लेकिन अब अगर मैंने ये डिवोर्स नहीं किया तो मेरे हस्बैंड मर जाएंगे। माय हस्बैंड विल डाई। आर यू किडिंग मी? यू डोंट बिलीव मी? ये सब बकवास है, मैं इन सब में नहीं मानता। अरे सावित्री की बात तो सुन ले यार। चल ठीक है, एक पल के लिए मान भी लिया कि वो पंडित सही कह रहे हैं, तो नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? हम कर क्या सकते हैं? सत्या, पंडित जी ने कहा है कोई उपाय नहीं है। सत्य, सिर्फ एक ही रास्ता है। नाउ व्हाट? हमें शादी तोड़नी होगी। तुम तब तक मौत के निशाने पे हो जब तक मेरे पति हो। अगर ये रिश्ता ही टूट गया तो यू आर सेफ। कभी नहीं। टाइम इज अप। सत्या, को नहीं मरने दूंगी। अरे तुम्हारा तो लूप लग गया। सत्य को छोड़ दो, सत्य के छोड़ दो, मेरे हाथ में थोड़ी है। सत्य का टाइम तो कब से अप हो चुका है, और दूसरे एक ना एक दिन सबको जाना है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे सत्य को छोड़ दीजिए। सत्य, कुछ दिन बाद ले जाइए। अच्छा ठीक है मैम, मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ। पक्का? हाँ, ज्यादा खुश मत हो ना, कुछ दिन बाद आके लेने आऊंगा। कितने और दिन? भाई, तीन चार दिन। तीन या चार? अच्छा चार बस। डॉक्टर प्लीज, हम सत्य से क्यों नहीं मिल सकते? व्हाट कंडीशन इज ही इन राइट नाउ? नो वन इज अलाउड इन द ICU। I'm afraid there's a bad news. Please, बिना कुछ छुपाए आप हमें सब कुछ बताइए। सत्या कोमा में है, एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग में गहरी चोट आई है।
दिमाग में कई ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं, तो उसकी वजह से उसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। Please do your best, do it urgently. I know these are tough times and you guys are really stressed out, but please come to the point. The point is that we ran your credit and you were declined. You have to do something. हॉस्पिटल की पॉलिसी है, अगर आप कैश जमा नहीं करवाएंगे तो सत्या को काउंटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मेरे बच्चे का इलाज इसी हॉस्पिटल में होगा। Otherwise, I will sue this hospital. I promise you, I will sue this damn hospital. Sir, you can do anything you wish, but unless you transfer the funds quickly, we cannot schedule him for surgery and we will move him. How much time do we have? A couple days. How much money do we need? At least 100,000 just to get you started. Our haalat aise nahi the. Sab kuch bahut acha tha. यहाँ लास वेगस में किसी के लिए भी पैर जमाना बड़ा मुश्किल था। वेगस का सबसे बड़ा कैसीनो मैंने खोला। बिजनेस वाज गुड, लाइफ वाज गुड, फिर पता नहीं किसी की नजर लग गई या रिसेशन खा गया। अंकल ने एक आदमी से पैसे उठाए थे, मनी जॉन से। मनी जॉन कौन है? Billionaire, UFC wrestling champion, evil guy, basically loan shark. 16 भाषाएं बोलता है। अंकल टाइम पे पैसा नहीं चुका सके, उसने तो हद ही कर दी। हमारे कैसीनो को आग लगा दी। People say it's an accident. I know it's a sabotage. उसी आग में I lost my wife and my vision. Oh my God, that's terrible, Dad. मनी जॉन ने जमीन पर कब्जा कर लिया और वहाँ एक नई हाउसिंग डेवलपमेंट शुरू कर दिया। कैसीनो की जमीन सत्या के नाम पे है। सत्या ने मनी जॉन पे केस किया है। डैड, इसका मतलब इस सारी प्रॉब्लम की जड़ मनी जॉन है। मनी जॉन एंड कैंडी। कैंडी? कैंडी कौन डैड? मनी जॉन की पार्टनर, उसके सारे काले धंधे, सारे बिजनेसेस को अगर कोई जानता है तो वह कैंडी। And candy is a combination of beauty and danger. मनी जॉन के क्या क्या काले बिजनेसेस हैं, कहाँ उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके क्या राज हैं, ये सब कैंडी जानती है। हमारी प्रॉपर्टी के कागज किस सेफ में हैं, वो सेफ सिर्फ कैंडी ऑपरेट करती है। डैड, अगर कैंडी से दोस्ती की जाए तो काम बन सकता है? इट्स अ वेरी क्लोज ग्रुप, उस ग्रुप में घुसना बहुत मुश्किल है। Girl, you are fast. You are working kind of early. Who would have thought that hookers would reel from this recession? I'm Candy. I'm Savitri. Something tells me you're not what I thought you were. What did you think I was? Never mind. So why are you out here so early? I couldn't breathe inside, so I came out here for some fresh air. What do you want? How do you know? I grew up on the street. I need some money. I don't normally help people, but you look like you could do with some, so... Here, take it. I need more. How much more? $100,000. $100,000.
I'm serious. It's an emergency. Can you help me? Can I help you? Stand up. Go ahead. Stand up. $100,000? I don't know. But with a girl like you in Las Vegas, well, it's Sin City, baby. Anything is possible. Come on. Follow me. She urgently needs money. No problem. I always love to help out people in need, you know? Especially women. That's why my name is Money John. So what's your name? Savi. Savi? Nice. Indian? Indian-Italian mixed. Beautiful. So how much money do you need? She needs $100,000. And quick. That's a lot of money. मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ. कुछ भी? You know what kuch bhi means, right? This is a gentleman's club here, okay? Can you dance? I can learn. I could teach her, if you think she has any potential. I think you have a lot of interesting things I didn't see yet, yeah? Let's see first what she can do, okay? Then I make a decision. Is that fair for you, Savi? You can hit the stage anytime you want. I keep an eye on you. Then you come back to me. I'm ready to learn. दिल की
की आवाज सुन, सीने के राज सुन, कोई तकरीर कर मेरी तस्वीर पर, मुद्दे तक जाए कौन, मुझको सुन पाए कौन, आंखों के कैंडी हो, पैसे की हंदी हो, पैसे की हंदी हो, मन की तो सच्ची बातों से छोटी छोटी, गली गली में, गली गली में नावा, माँ बूटी गली गली में, गली गली में नावा, आ आ आ आ शेक शेक, आ आ शेक, माँ बूटी आ शेक, माँ बूटी गली गली में, गली गली में नावा शेक, माँ बूटी Very good dancer. I'm impressed. Hamari Sat, 1 year contract cut off. $100K cash advance. $10K per month. Yeah. Plus the tips you keep yourself, okay? Bolo Mansur. Stick to those terms, yeah? She could double the penalty. I belong to my club forever. That's a lot of money. I think you need a bag for that. So my man can drop you off anywhere you want. Tell me. No, that's okay. I can't believe you made that much money in one night. Marty seems like a really nice guy. He's not. You'll find out. You know, I really appreciate your help. You're useful. I like that. I was wondering, can I come and help you in your office during the day? I could really use the money. Why not? I'll see you tomorrow at my office. बैग में क्या है? देखिए, मैं पहले से ही मुश्किल में हूँ. प्लीज मुझे आप दोनों से कुछ लेना देना नहीं है. प्लीज लेट मी गो. Hello. Did you get the money? Listen, I want you to find her and get back my money, yeah? Hey, I want her to get bonded to my club forever. You got it? I operate the whole system from my office. You see, Manny's the money lender, but he's very old school. He doesn't even believe in computers. So we file everything. I'd want you to help me with general filing. You see, everything we do, we make a copy and we file it. So how do you know which file goes where? And how do you keep track? I created my own system, so each file begins with the letter of a random movie, and that's then filed alphabetically. That's slick. So, say I was looking for a file with the letter beginning S. How would I find that? You go to the section that's marked Speed. Oh, Speed the movie. You see, it's kind of complex. Even Manny can't decipher it. Yet so simple. And where do you keep the master files? I can show you now. Okay.
तुम्हारे सेफ में रखे हुए सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स अब किसी काम नहीं आएंगे। मनी जॉन, यू आर फिनिश्ड। तेरी याद आवे जग मेरे नाल गावे, जदों तेरी याद आवे जग मेरे नाल गावे। ओ अंबरां तों डुलदे ने गीत मेरे, अंबरां तों डुलदे ने गीत मेरे। अलग अंदाज है आगाज है कब साज आवे। जदों जदों तेरी याद आवे सारा जग मेरे नाल गावे। हो जदों जदों तेरी याद आवे सारा जग मेरे नाल गावे। हो पानी के छींटे जैसे मेरी नींद उड़ाए हो। ठंडे से पानी के छींटे जैसे मेरी नींद उड़ाए। घोर दोपहर खुली आंखों से हर पल तेरा नूर दिखाए। लाल लहू से लिपटी शामें तेरी बातें याद दिलाएं। खालिस घी की नरमी जैसे रातें पलकों को सहलाएं। अलग एहसास है अरदास है कब याद आवे, याद आवे। जदों तेरी याद आवे जग मेरे नाल गावे, जदों तेरी याद आवे जग मेरे नाल गावे। हो अंबरां तों डुलदे ने गीत मेरे, अंबरां तों डुलदे ने गीत मेरे। अलग अंदाज है आगाज है कब साज आवे। जदों जदों तेरी याद आवे सारा जग मेरे नाल गावे। हो जदों जदों तेरी याद आवे सारा जग मेरे नाल गावे। हो सब खेलोगी? कौन बनेगा महाकरोड़पति? देखो क्या है कि मैं मुर्दों को ट्रांसपोर्ट करते करते थक जाता हूं, अब किसके साथ खेलूं? अमित जी तो मुझे अपने शो में बुलाते हैं, अब मुर्दों के साथ क्या खेलूं? जिंदा लोगों को मैं दिखाई नहीं देता। तो आप मुझे कैसे दिखाई देते हैं? क्योंकि तुम्हें कुछ और नहीं दिखाई देता। और अगर मैं जीत गई तो तुम जो मांगोगी दूंगा। हाँ, सिवाय तुम्हारे पति की जिंदगी। ठीक है,
तो पहला सवाल तुम्हारे दिमाग की कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, एक ही वाक्य में बताओ प्रेम का अर्थ क्या है? ईश्वर की आराधना। पगली, तुम तो इंसान से प्यार करती हो। इंसान भी तो ईश्वर का ही स्वरूप है। कुछ ज्यादा गहरी बात है। चलिए, हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा जवाब सही है। अब तुम्हारी बात है। मुझे मेरा ईश्वर कैसे मिलेगा? समय को कौन बांध सकता है? सवाल का जवाब सवाल कैसे हो सकता है? चलो, मैं मानता हूँ कि मैं हार गया और तुम जीत गए। मांगो या मांगो। क्या आप मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? 24 मिनट। मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, मैं बाकी समय इधर उधर गुजार लूंगा, लेकिन 24 मिनट। आप क्यों आए हैं? अरे, आपको तो दिखाई नहीं देता। दिखाई तो आपको नहीं देता, सावित्री ने सब बताया मुझे। ये बच्चे के जीने के दिन हैं या जाने के? अच्छा, आप जीवन की परिभाषा बता दीजिए। कुछ एहसास लफ्जों की कैद से परे है। बहुत से लोग यही सोचकर मरे। वरना सबको है, बच्चा बच्चा जानता है। वरना भगवान को कौन मानता है? आप पाबंदियां लगा रहे हैं या भगवान के नाम से डरा रहे हैं? हम तो वक्त हैं, जाने का टाइम बता रहे हैं। हाँ, तो जाना कब है ये फैसला किसका है? ये जानकारी का मुद्दा तो सबका है। आप अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। देखिए, लेकर जाना है तो इस अस्पताल में सैकड़ों लोग हैं जो मरने की दुआ मांग रहे हैं। तंग आ गए वो शारीरिक पीड़ा से, ऑक्सीजन की मशीनों से। उन्हें ले जाइए। मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े आप? देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपको दर्द नहीं होता? रूटीन में तो नहीं, हाँ कभी कभी। I just need a few minutes with him. Kill me instead. I don't kill people for free. Get out. I'm a package deal. Buy one, get one free. Do you really want to do this? I was born to do this. Meet me at the rooftop.
पूछोगे नहीं कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया? तुम निसज्जा टूरिस्ट स्पॉट है। दिस इज अ सेफ प्लेस टू मीट। सो टेल मी व्हाट इज इट? ये ऊंचाई देख रहे हो? इससे ज्यादा ऊंचाई से तुम गिरे हो। हे मनी जॉन डजंट गिव अप दैट इजी। लोगों को बर्बाद करते करते आज तुम खुद बर्बाद हो गए हो। कैसा लगा? So what difference does it make now, yeah? Tum marne wali ho. This is a very nice place to die. Bachpan say patience, come here. That means you die now. Ah, always remember. Bolo man.
मिल गई। अरे कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको। देखो इसके पहले कि तुम मुंह खोलो तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। पर आप सफेद लिबास में, मैं हम कहाँ हैं? ये हम जन्नत में हैं। इससे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे आज तक नहीं मिला। भगवान मुझ पे बहुत खुश हैं और वो हिंदुस्तान को बहुत चाहते हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने सोने की चिड़िया बनाया था, लेकिन उन्हें बहुत अफसोस है कि वो सोने की चिड़िया आज कचरे की चिड़िया बन चुकी है। उन्हें बहुत बड़े बड़े पैगंबर भेजे, ऋषि मुनि भेजे, गुरु नानक को भेजा, कबीर को भेजा, महात्मा बुद्ध को भेजा, महावीर को भेजा, फिर बाद में महात्मा गांधी को भी भेजा, लेकिन किसी का असर नहीं हुआ इस जनता पे। तो अब उन्होंने एक और तरीका निकाला है। भगवान ने कहा है हिंदुस्तान में ब्लडलेस रेवोल्यूशन चाहिए, हिंदुस्तान में अभी डंडा चाहिए। ये सब तो ठीक है, मेरा सत्य कहाँ है? अरे यार, यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक इतने बड़े मुल्क की सफाई करने की बात कर रहा हूँ, और तुम एक सत्य के पीछे घूम रही हो। देखो भैया, मुझे एक ही का हुक्म मिला, तुम्हें आने की जल्दी थी इसलिए मैं तुम्हें ले आया। इसका मतलब सत्य जिंदा है? सत्य 100% जिंदा है और तुम 100% मर चुकी हो। पर सत्य मेरे बगैर कैसे जिएगा? तो फिर ये तो तुम्हें वो 12वीं मंजिल से कूदने के पहले सोचना चाहिए था ना। आप मुझे सत्य के पास वापस भेज दीजिए ना, प्लीज रिटर्न कर दीजिए। कभी डिस्काउंट दे दीजिए, कभी एक्सटेंशन दे दीजिए, कभी रिटर्न कर दीजिए। भाई मैं कोई कार डीलर हूँ? तो इसका मतलब अब भगवान लोग भी आपसे यही पूछेंगे कि भाई आपको सत्य का ऑर्डर मिला था लेकिन आप ले आए सावित्री को। अब मैम आप तो फंस गए हो यमराज जी। आप वैसे मुझसे चाहती क्या हैं? बस इतना ही कि आपकी रेपुटेशन भी बनी रहे और मेरा परिवार भी पूरा रहे। तुम्हारे पास चॉकलेट है? अभी तो नहीं है। तुम चॉकलेट लेके आओ, मैं सत्य को लेके आता हूँ। ठीक है? नहीं, रुकिए। उसी कचरे में जहां से आई। यार सैवी, मुझसे अब और वेट नहीं होता। मुझसे भी अब वेट नहीं होता। एग्जैक्टली कुछ करते हैं ना यार। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? यार तुम्हारा पेट है ना, तो तुम्हें क्या हुआ? सत्य जूनियर अभी से ही किक मारा। Really? Yeah. Wow. Well done. चलो, फाइनली दुनिया में कोई तो है जो तुम्हें किक मार सकता है। How does it feel? हाँ? बहुत जोर से मारता है। By the way, what is that? सत्य जूनियर, ये किसने डिसाइड किया? मुझे बेटा चाहिए। तो वो तुम डिसाइड थोड़ी करोगी। क्यों? मुझे बेटी चाहिए। आई वॉन्ट अ बेबी सावित्री, सो इट्स सावित्री जूनियर। सत्य जूनियर, सावित्री जूनियर। डोंट मेक मी फाइट यू। सावित्री जूनियर।
Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.